एंड जय सरदार। तो किड्स, जैसा कि खुशाली मैम ने बताया कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल यूनिटी डे। ओके, तो हम ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं किड्स? 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक छोटे से गांव में डायनेमिक आयरन मैन के नाम से फेमस लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। पर उन्हें आयरन मैन या लो किड्स, उन्हें आयरन मैन या लो पुरुष क्यों कहा जाता है आपको पता? वो कई स्टील के लोहे के आयरन के तो नहीं बने थे ना, पर जो उनकी सोच, उनकी विल पावर और देश के प्रति उनका समर्पण, उनका डेडिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि महात्मा गांधी ने उन्हें नाम दिया था लोह पुरुष। और इसके अलावा एक काम और था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, वो था जब इंडिया आजाद, भारत आजाद हुआ था हमारा देश, तब वो छोटी छोटी स्टेट्स में, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और हम पर रूल करते थे अलग अलग राज्य। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सारी स्टेट्स को मर्ज किया और उसे इंडियन गवर्नमेंट में मिला, मर्ज कर दिया। और ये काम डेफिनेटली सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता था। तो देखा आपने कितनी अमेजिंग पर्सनैलिटी थे वो। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी रहे हैं। और इसके बारे में और ज्यादा बताने के लिए मैं बारे में पूछना चाहता हूँ। का मतलब होता है एकता।
थे वर्चुअल टूर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बोलो आप मेरे साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है? आपका माइक अनम्यूट मत करना, ठीक है? ये जो आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, वो 31 अक्टूबर जो है वो दिन है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस दिन हमारे इंडिया का जेम्स स्टार डायमंड का बर्थ हुआ था, ठीक है? तो कल सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, ठीक है? और उनका जन्मदिन हम कैसे भूल सकते हैं? तो आज स्कूल का लास्ट डे है, तो हम उनको याद करके, उनको थैंक यू बोल के, उनके बारे में थोड़ा जान के आज हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है? देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो इंसान थे जिन्होंने जो अपना इंडिया है ना बेटा, इंडिया का मैप किससे किससे देखा है, आज हाँ वो किसकी देन है पता है आपको? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद कुछ जो राजा थे जो अपना राज्य छोड़ने को तैयार नहीं थे, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके पास जाके समझाया कि आप लोग भारत के साथ जुड़ जाओ ताकि एक भारत महान देश बन सके और यहाँ की जो प्रजा है उनको उनकी प्रगति हो सके, सुख शांति से वो जी सके, उनकी बच्चों की प्रगति हो सके और जो भारत जो था पूरी आजादी से जी सकता है, अच्छे से जी सकता है, ठीक है? तो उसके लिए कुछ राजा ऐसे थे कि जो इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते। पता है आपको, जब हमारा इंडिया फ्री हुआ ना ब्रिटिशरों से, वो चले गए, तब हमारे इंडिया के दो पार्ट बने, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, ठीक है? तो कुछ स्टेट्स ऐसे थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम पाकिस्तान में जाए, हम इंडिया में जाए या हम खुद अपना देश बनाए, ठीक है? तो अभी पूरा देश है, उसमें बीच बीच में से अगर आपके दांत है जो दांत, ठीक है, दांत में से बीच बीच में 2-3 दांत टूट जाएंगे तो आपका 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 जो ये टीथ का स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा? नहीं अच्छा दिखेगा, क्यों? और फिर दूसरे दांत भी गिर जाएंगे। तो सरदार पटेल ने सोचा कि ये जो मेरा इंडिया है ना, पाकिस्तान भले ही चला जाए लेकिन जो इंडिया है उसके पार्ट्स अलग अलग टुकड़े होने चाहिए। नहीं, मैं उन राजाओं को समझाऊंगा और उनको मैं साथ में लेके हमारा पूरा एक भारत देश की मैं उनकी स्थापना करना मेरा मेन काम है, ठीक है? तो जो राजा नहीं मानते थे उनके पास हो गए, समझाया, प्यार से समझाया, उसके फायदे भी समझाए, गैर फायदे भी समझाए, और जो नहीं समझे ना उनको तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया करना ही पड़ेगा, आपको ज्वाइन होना ही पड़ेगा, ठीक है? उनकी उतनी उनमें ताकत। वो पता है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से बिलोंग करते थे आपको पता है? जैसे हम सूरत के हैं, है ना, आपकी मम्मी किसी और स्टेट की या और डिस्ट्रिक्ट की। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, उनका जन्म गुजरात में ही हुआ था, गुजरात के नड़ियाद शहर में उनका जन्म हुआ था। और एक सबसे अच्छी बात बताऊं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पापा कौन थे पता है आपको? उनके पापा एक फार्मर थे, जैसे हमारे मोस्टली जो गुजरातीज है वो सब फार्मर के ही बच्चे हैं, ठीक है? तो वो भी फार्मर थे, लेकिन वो बचपन से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पढ़ना है और जो इंडिया है ना, इंडिया में जो अंग्रेज लोग हमारे पे राज करते हैं ना, उनको मुझे भगा देना है। वो बचपन से ही इतने स्ट्रांग थे, उनकी पर्सनैलिटी बचपन से ही उन्होंने डिसाइड किया था। जैसे आप छोटे हो ना बच्चों, आपको भी सोचना है कि मुझे बड़ा होके क्या बनना है। अभी आप बच्चे नहीं, आप स्कूल में आते हो, आपको इतनी समझ है, तो आपको ये भी, इसलिए मैं आपको ये वाई आई एम टेलिंग यू सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो बेसिकली तो गुजरात से एक तो वो बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो हमें हमारे वो आदर्श होने चाहिए, हमारे वो हीरो है, ना कि हमारे टीवी स्टार हीरोज जो बॉलीवुड के, वो हमारे हीरो या हमारे आइकन नहीं होने चाहिए। हमारे आइकन ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने अपनी लाइफ दूसरों के लिए कुर्बान की और उन्होंने अपनी पर्सनालिटी बताई कि उनके होने से भारत आज एक है। अगर वो नहीं होते तो आज भारत पूरा बिखर गया होता, हमारा इंडिया नहीं होता। हमको जो मैप मिला है ना वो उनकी वजह से ही मिला। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम कैसे भूल सकते हैं? उनकी लाइफ के बारे में मुझे आपको और एक स्टोरी बतानी है। जब वो छोटे थे तो क्या ना, इतने हॉस्पिटल डॉक्टर्स तो नहीं होते, दूर दूर जगह पे जाना पड़ता था। तो एक बार उनको एक ना बड़ी सी यहाँ पे क्या बोलते हैं, थोड़ी जैसा होगा, ठीक है,
तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मुझे तो दूसरे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा कि उनको बेहोश करेंगे फिर ऑपरेशन करेंगे ऐसा। तो बेहोश करना वो डॉक्टर को तो नहीं आता होगा, उसके दूसरे डॉक्टर होते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई ने बोला कि अरे भाई हम इतने दूर से आए, आप ऑपरेशन कर दो ना। तो डॉक्टर ने बोला अरे भाई हम ऑपरेशन कैसे करेंगे, उसको कट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नाइफ से कट करना पड़ेगा, उसमें से पीसा कुछ निकालना पड़ेगा, बहुत खून निकलेगा, आपको बहुत दुखेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला अरे मने काई नो दुखे, हूँ मने कोई इंजेक्शन लेव नहीं, मने बेहोश पर नहीं करूँ, हूँ चाहू छू मारी आंखे तब ऑपरेशन जोईस, तब ऑपरेशन करो અને પછી તમે નહીં માનો, એમને આખું ઓપરેશન જાતથી આખી જોયું, હવે કેટલું દુખ્યું હોય આપણે એક સ્વાઈન મારે તો કેટલું દુખે। તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે ઓપરેશન જાતતા એને ઓપરેશન કર્યું, એને દુખ્યું પણ નહીં, રોયા પણ નહીં, દુઃખ પણ નથી કર્યું, અને બધા જ્યાં હોસ્પિટલમાં જ્યાં બધા હતા ને એ તો જોતા રહી ગયા, ઊંચા પટેલથી ક્યાં છે કાંઈ નહીં, આમ કેમ લોખંડની જેમ બેઠા રહ્યા। બધાને દુખે પણ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને દુખતું હતું ને તો પણ એને ઉફ ન કહી બધું સહન કરી ગયા, આ એની પહેચાન છે, જોયું એ કેટલા સ્ટ્રોંગ હતો। તો મને એમ કેવું છે બાળકો, મુજબ આપકો એ બતાના હૈ કે આપકો ક્યા બનના હૈ, આપકો ઉનકે જૈસા બનના હૈ। દેખો અગર બનના હૈ ના આપકો તો એસે કિસી આદમી કે જૈસે બનો કે જિનકી લાઈફ મેં સે આપકો કુછ સીખને મિલે, और उन्होंने बचपन से ये सपना देखा था कि मुझे कुछ करना है, ये देश के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे क्या पढ़ाई करनी चाहिए। तो उन्होंने जाना कि उनको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि बैरिस्टर की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो इंग्लैंड जाके पढ़ के बैरिस्टर की डिग्री लेके आए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कश्मीर के राजा थे ना, कश्मीर के राजा, उन्होंने ऐसा बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में जाऊँ या मैं इंडिया में जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ। जो वो सोच रहे थे ना उतनी देर में तो पाकिस्तान ने पे लड़ाई कर दी, तो झट से वो कुछ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए और उन्होंने बोला कि प्लीज हमको हेल्प करो, ये पाकिस्तान की सेना तो हमसे लड़ने आ रही है। तो तात्कालिक उन्होंने जल्दी से हमारी जो मिलिट्री थी उन्होंने वहां पे भेजी हेल्प के लिए। और दूसरे जो राजा थे मैं बताना चाहूंगी आपको, एक जूनागढ़ के राजा थे, जोधपुर के राजा थे और हैदराबाद के राजा, ये तीन राजा को कहां जाना था पता है आपको, पाकिस्तान। अब सोचो पाकिस्तान एकदम ऊपर है, जोधपुर जूनागढ़ हैदराबाद तो बीच में ही है, अगर बीच में से ये निकल जाएगा तो हमारा देश कैसा लगता, नहीं ना। तो इसलिए उनकी जो एफर्ट थी उसकी वजह से आज बन गई है ना, ये आप याद करो। तो आपको आज जो भी आपको सीखने मिला है ये से, और उनका मतलब क्या है, उनका ये मानना था कि जब दुनिया में सारे लोग होंगे ना, सब मिलजुल के सिर्फ देश के बारे में सोचेंगे तभी ही देश की प्रगति होगी और पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा। और यहाँ के लोग नाम सिर्फ नाम करने का नहीं, उनका हेतु नहीं था कि यहाँ पे जो लोग भी रहते हैं, गरीब है, पैसे वाले, सब अच्छे से जी सके, सबको इक्वल राइट्स मिले, सब इक्वली रह सके, ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, ना कोई ऊंची जाति का हो ना कोई नीची जाति का हो। हाँ किसके पास ज्यादा पावर है तो वो नीचे वाले पावर पे हुकुम चलाएगा, उनको ऐसा पसंद नहीं रहता, वो हमेशा ये कहते हैं कि एक बल, ये पांचों उंगलियां देखो आप मेरे हाथ में देखो, ये पांच उंगलियां है, एक उंगली से आप किसी को मार सकते वैसे नहीं लगेगा है ना, ये उंगली को आप साथ में समझो कि ये सारे सारे स्टेट्स है, सारी उंगलियों को आप साथ में करोगे तो आप किसी को भी मारोगे हाँ, तो उसको बराबर से दांत टूट जाएगा, समझ में आया। तो ये होती है यूनिटी की, ये होती है यूनिटी, यूनिटी मतलब सबको साथ में मिलने के लिए, साथ में मिलकर रहोगे तो ही ये मुट्ठी बनेगी और तो ही ये काम करेगी, अकेले उंगली मुट्ठी नहीं बना सकती, आप ये याद रखो, करके देखना, उंगली से आप किसी को मारोगे तो नहीं लगेगा, इससे मारोगे तो नहीं, अगर किसी को ये जो मुक्का लग गया ना तो दांत टूट जाएगा, किसी को करना नहीं है आपका ऐसा। हाँ वरना बोले कि बाहर मैडम ने बोला है कि ट्राई करो, एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा, ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि आपकी यूनिक चीज देखो हमारे अपन बॉडी में ही है, एक एग्जाम्पल है ना, मैंने बताया ना आपको। तो यूनिक चीज मतलब क्या है, आपको यूनिटी कैसे करनी है, आप आपके सोसाइटी में जो आपके एज के बच्चे हैं सबके साथ मिलजुल के रहो,
मिलजुल के खेलो, मिलजुल के कुछ नया सीखो, ना कि लड़ाई करो। लड़ाई करने से कुछ नहीं होता बेटा, एक दूसरे का साथ करोगे तो आपकी टीम स्ट्रांग होगी। अच्छा बोलो, क्रिकेट जब खेलते हैं हम कैसे, तब जाके टीम बनती है और तब जाके हम जीत सकते हैं। किसी की बॉलिंग अच्छी है, किसी की बैटिंग अच्छी है, किसी की कोई अच्छा विकेट कीपर है, कोई अच्छा फील्डर है, तो देखो सब तरह के लोग चाहिए टीम में, तब जाके अच्छी टीम बनती है। और एक अच्छा लीडर भी चाहिए, चाहिए ना। तो ये सारी बातें आप याद रखना जो मैंने आपको बताई है। हमें यूनिटी में रहना, हमारा इंडिया का एक स्लोगन है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा इंडिया का स्लोगन क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब कि हमारे इंडिया में हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, पारसी रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब इंडियन है, ठीक है। तो हमें इंडियन इंडियन की आइडेंटिटी बनानी है, ना कि मुस्लिम की, ना कि हिंदू की। हम क्या है, हम एक साथ, हम सब भारतीय है, हम सब इंडियन है। मस्तक सत्ता नमन करे हर बाप, वही हमारे योग पुरुष है, वही अमर सज्जा। मस्तक सत्ता नमन करे हर बाप, वही हमारे हमारे।